सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रेमी के लिए सिवान पहुंच गई प्रेमिका। आपको बता दें कि शहर के निराला नगर में रात के करीब 8 बजे प्रेमी के घर पहुंच गई प्रेमिका और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहल्ले के लोग सकते में आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक निराला नगर का एक लड़का गुजरात में काम करता था, उसी कंपनी में लखनऊ की रहने वाली लड़की भी जॉब करती थी। उसी दौरान दोनों में प्यार हो गया, फिर दोनों ने 15 महीना पहले ही शादी रचा कर साथ भी रहने लगे थे। अचानक लड़की को जब पता चला कि उसका प्रेमी पहले से शादीशुदा है, उसके बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लड़के ने प्रेमिका को लेकर पटना पहुंचा, जहां एक होटल में 5 दिन रुकने के बाद प्रेमिका को छोड़कर प्रेमी फरार हो गया था, जिसके बाद आज लड़की सिवान पहुंचकर नगर थाना और महिला थाने में अपनी स्टोरी बताई। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने पर प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर का पता लगाकर उसके घर ही पहुंच गई। लेकिन लड़के के घर वालों के द्वारा जब बताया गया कि लड़का घर पर मौजूद नहीं है, यह बात सुनते ही प्रेमिका गुस्से में आकर हंगामा करने लगी, जिसके बाद लड़के के घर वालों के द्वारा और प्रेमिका में जमकर गाली गलौज होने लगी। इसकी सूचना मिलते ही SDPO जितेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे और लड़की को पूछताछ के लिए थाने लेकर चले गए। सुनिए और क्या कुछ कहा लखनऊ से आई प्रेमिका ने। मेरा नाम दिव्या श्रीवास्तव है, मैं सिवान जिले से बात करती हूँ। यहाँ से प्रसून तिवारी यहाँ का रहने वाला है। मैं गुजरात में 1.5 साल पहले अभी जॉब करती हूँ। 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात गुजरात में वापी में प्रसून तिवारी से हुई, जो मेरे साथ ही जॉब करता था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया, मेरे घर वालों से भी बात किया और मुझसे शादी किया। और मेरे साथ 1.5 साल से वो रिलेशनशिप में रह रहा था, शारीरिक संबंध बना के। उसने मुझे बीबी का हर एक मुझसे वो किया, मेरे साथ 1.5 साल से रहा। उसके बाद जब मुझे 2 महीने पहले पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, तो मैंने उसको उससे बोला कि इसका, तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बीबी का दर्जा दूंगा, मुझे घर वालों से मिलाने का और अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देने का मुझसे वादा किया। ये सब बातें चली रही थी। उसने मुझे 6 दिन पहले मुझे पटना लेके आया अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए और अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देने के लिए। जिस 6 दिन से मुझे होटल से लेके रुका था, कल वो चुपके से सिवान निकल के चला आया मुझे धोखा देके। और अभी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसकी माँ भी मुझे प्यार से बुलाई थी कि आओ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ ऐसा। अभी उसके घर वालों ने भी मुझे धोखा दे दिया। जब मैं खुद पटना से सिवान चल के आई, पहले मैं नगर थाना में गई, वहाँ के 1 घंटा बात हुई, उसके बाद नगर थाना वालों ने मेरा कंप्लेन लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैं महिला थाना में गई, उन लोगों ने भी मेरा कंप्लेन नहीं दिया। फिर मैं स्वयं प्रसून तिवारी के घर सिवान में आई, यहाँ पे उसके बाप ने मुझे गाली दे के भगा दिया। और अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ 1 महीने से, और उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है, मेरे पैसे भी ले रखे, मेरा ATM वगैरह सब ले रखा है। मेरा ATM का पासवर्ड जान के उसने मुझसे बहुत पैसा लिया। और अभी मुझे मेरा हक चाहिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने मुझसे शादी किया है, तो मैं कहाँ जाऊँ। मेरा लखनऊ में घर है। अच्छा, कैसे मुलाकात होती है? मेरा फार्मा कंपनी में वापी में, हम दोनों फार्मा कंपनी में जॉब करते थे, मैक्लॉइड फार्मा में। वहाँ पे 1.5 साल पहले हम लोग मिले थे। इसने मुझे प्रपोज किया था, मेरे मम्मी से शादी के लिए बात किया, पिछले दिसंबर से लेके 2019 दिसंबर से लेके और अभी तक हम लोग साथ में रहते हैं, एक ही रूम में, दमन में। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में RV लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉड्यूलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए RV लाइट हाउस बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।